हॉट वाइफ, कुकोल्ड और बुल, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हॉट वाइफ, कुकोल्ड और बुल, यह कंसेप्ट वेस्टर्न कल्चर में है, हमारे देश में बहुत कम दिखाई देता है, मगर है करके मुझे इसके बारे में बातचीत करना पड़ रही है, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं, लोग कॉल करते रहते हैं, बोलते इसमें वीडियो बनाओ। तो ये जो कुकोल्ड है, वो ऐसा व्यक्ति रहता है कि इसकी पत्नी जो है उसको बोलते हैं हॉट वाइफ, पति को बोलते हैं कुकोल्ड, और जो तीसरा आदमी जो है बाहर का उसको बोलते हैं बुल। अब ये तिगड़ी है, ट्रायंगल है ये, बुल, कुकोल्ड और हॉट वाइफ। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये जो कुकोल्ड है ये, इसको सेक्सुअल परवर्शन है। सेक्सुअल परवर्शन मतलब उसको सेक्स का एंजॉयमेंट आता है तब जब उसकी पत्नी और कहीं गैर आदमी के साथ में सेक्स करती है। अभी उसको उसमें मजा आता है, तो इसलिए फिर वो क्या करता है, वो खुद ही बुल को सिलेक्ट करता है, और बुल को सिलेक्ट करके उसको रिक्वेस्ट करके अपने वाइफ को पटा के, वाइफ को भी मतलब उसको पटाना है या उसको कन्विंस करना है, जो भी करना है, और वो करके फिर उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाए और ये बाहर बैठ के वो एंजॉय करे कि उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा है, ये एंजॉय करते रहता है। अब ये जो बुल है, ये बाहर का व्यक्ति रहता है, ये सिलेक्ट किया किसने, ये सिलेक्ट किया है कुकोल्ड ने, सिलेक्ट किया हुआ है, और एक कुकोल्ड जो है वो फैंटासी में जीता है। वो जो बाहर का व्यक्ति आता है इनके घर में, तो घर में किसी को मालूम नहीं रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वे फैमिली फ्रेंड है, और ये सिर्फ तीनों को ही बात मालूम रहती है, तीनों के बीच में सीक्रेट रहती है। घर में बड़े बड़े बच्चे भी होंगे तभी मालूम नहीं पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ है, क्योंकि बाहर किसी को तीन के सिवा मालूम ही नहीं, हो तो दोस्त करके है, भाभी भाभी करके घर में आता है, मिलता है, जुलता है, खाना खाता है, मतलब एक फैमिली फ्रेंड करके दिखता है दिखने में, और जब वो आता है तब वो सेक्स करके चले जाता है। अब ये जो जब सेक्स करते हैं तो उसमें ये जो कुकोल्ड है, वो जो पति है, एक तो वो सामने बैठ के उनका सेक्स करवाएगा, यदि उनको संभव है कि सामने बैठ के सेक्स कर सकते हैं तो वो सामने बैठ के सेक्स करवाएगा, उनको गोली खिलाएगा, उसको सेक्स टॉनिक खिलवा के उनका इरेक्शन करवा के उनको सेक्स करवाएगा और अपने मजे करेगा। वो वहाँ बैठ के एक तो देखेगा, या उसको खुद मास्टरबेट करेगा, या फिर बाहर बैठेगा छेद में से देखेगा, या सिर्फ बाहर बैठ के दरवाज़ा बंद करके अंदर वो सेक्स कर रही है, बाहर बैठेगा एंजॉय करेगा, फैंटासी में रहेगा, इमेजिनेशन में वो करेगा कि अभी क्या चालू होगा, और फिर उसमें उसको मज़ा आता है, उसको बहुत एक्साइटमेंट आता है। हो सकता है कि कुकोल फिर बाद में जाके अपने पत्नी के साथ में सेक्स करेगा, या बाद में सेक्स करेगा ही नहीं, उसको उसका सेक्स वैसे हो जाएगा। बाहर बैठ के हो सकता है मास्टरबेट करेगा, या बाहर बैठ के वो सेक्स का आनंद लेगा कि उसको जैसा खुद ही सेक्स कर रहा है। तो इस तरह का ये जो कुकोल्ड है, ये आदमी रहता है, ये आदमी वैसा पुरुष है, उसमें कोई मतलब सेक्सुअली अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो ट्रांसजेंडर नहीं है, या उसको कोई जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको सेक्सुअल परवर्जन ही है कि वो लोग, तीसरा व्यक्ति अपने पत्नी के साथ में सेक्स करते, उसको एन्जॉयमेंट है, ये खुद भी सेक्स करता है, ऐसा नहीं कि सेक्स खुद करता नहीं, खुद भी सेक्स करते रहता है, उसको उसमें बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट आती रहती है। अभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो बाहर का जो व्यक्ति है बुल, उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप इसके पत्नी के साथ में, तो उसको बच्चा भी कभी हो सकता है, तो बच्चा हो गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसने बच्चा कंसीव किया तो ये कुकोल को कोई प्रॉब्लम रहता नहीं, वो अपना बच्चा समझ के उसको संभालता है, उसको बड़ा करता है, और ये बाहर किसी को कानो कान खबर होती नहीं है। अच्छा, इसमें कोई चीटिंग की बात है क्या? इसमें चीटिंग की बात बिल्कुल नहीं है, इसमें पत्नी को भी मालूम है, पति को भी मालूम है, और बाहर के आदमी को मालूम है, तीनों को मालूम है कि इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इमोशनल अच्छा बॉन्डिंग है, और पत्नी के मर्जी से ही हो रहा है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पत्नी हो सकता है कि तैयार नहीं है, हो सकता है कि उसके ऊपर वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली की है, उसको ये चलता ही नहीं है, और फिर प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उसको मनाता है। तो कभी हमारे पास में जो पेशेंट्स लोग आते हैं, ऐसी पत्नी अपने पति को लेकर आती है या ऑनलाइन कंसल्टेशन करती है, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई मैं इसलिए हाँ बोलती हूँ ताकि बाहर उसकी बहुत बोम हो जाएंगी, बाहर ये चिल्लाना चिखना हो जाएगा, या फिर ये बोलता है मैं तुमको छोड़ दूंगा, तो फिर मैंने पहले हाँ बोल दिया, बड़े मुश्किल से मैंने हाँ बोल दिया, मगर बाद में अभी ठीक है, वो रूटीन बन गया, अभी मुझे भी मज़ा आता है, तो बाद में खुद को भी उसको मज़ा आने लगता है, इसलिए भी वो चालू रखती है। तो इस तरह का ये तीनों के मर्जी से होता है, और ये चलते रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई ना मैं फेवर का हूँ ना अपोज में हूँ, मैंने ये आपको जानकारी दिया क्योंकि लोग हमारे पास में कंसल्टेशन को आते हैं, पूछते हैं कि ऐसा वीडियो बनाओ, करके मैंने ऐसा वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन
वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।